हेलो एवरीवन, आई एम राज प्रसाद और मैं हूँ इस समय बलिया के छड़हड़ हनुमानगंज गांव के श्री राम मंदिर में। और हमारे साथ हैं इस मंदिर के संस्थापक श्री केशव प्रसाद मिश्र। श्री केशव प्रसाद मिश्र जो कि पूर्व रिटायर्ड अधीक्षक रह चुके हैं और इस मंदिर के संस्थापक हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्या वजह रही कि इस मंदिर बनाने के पीछे। तो केशव प्रसाद मिश्र जी, सर्विस में जाने से पहले मेरे भावना थी कि मैं जो नौकरी सरकारी मिल ली जाएगी उसके बाद एक मैं मंदिर का निर्माण करूंगा, ऐसी भावना मुझे पहले सी थी और इस पर हमने आगे। तो ये इस मंदिर कब बनना स्टार्ट हुआ था? ये सन 1990 से स्टार्ट हुआ और 2001 में जाके कंप्लीट हो गया। तो आपके माइंड में कैसे ये बात आई कि आपको श्री राम जी का ही मंदिर बनाना है? आपके इसके पीछे कुछ ऐसा रीजन? ये कुछ होगा ऊपर की दैविक कृपा होगी जो इस तरह की मुझे भावना दिया। अच्छा, हाँ। या फिर आप राम जी के पूरा पहले से भक्त? नहीं, हाँ, ये राम जी के, शिव जी के, हम दोनों के भक्त हैं। अच्छा, तो था आधार तो यही था। अच्छा, और इसी आधार पर मेरी ये प्रबल इच्छा थी कि बने, लेकिन जिस स्वरूप में ये बना है इस इतने बड़ा का स्वरूप नहीं था हमारे दिल में। हालांकि देखा जाए तो बलिया में इससे बढ़िया मंदिर अभी तक नहीं है। बलिया का पूर्वांचल में नहीं है? अच्छा, पूर्वांचल में आपको कहीं मिलेगा नहीं। तो ऐसा मंदिर और भी किसी जगह है यहाँ पे? नहीं है, मुश्किल है, मंदिर तो बहुत हैं। अच्छा, लेकिन ये ईस्टर्न यूपी में सबसे अच्छा मंदिर है और बहुत बड़ा देश है, बहुत अच्छे अच्छे मंदिर हैं। कितना वर्ष लग गया इस मंदिर को बनाने को? ग्यारह साल लग गया। और 2001 में इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। 2001 में प्राण, मैंने देखा पत्थर वगैरह इस्तेमाल किए गए, ये कहीं बाहर से भी लाया गया या फिर सारे का सारा यहाँ बलिया किसी? नहीं, सब इसमें 99% बलिया के नहीं हैं, सब बाहर गए। अच्छा, बाहर से मंगवाया गया। हाँ, इसमें कारीगर भी बनाने वाले जो हैं वो सब झांसी के बॉर्डर के रहने वाले हैं। अच्छा, सारे कारीगर वहाँ के हैं। तो जब ये मंदिर बनाने की आपने शुरुआत की होगी, सोचा होगा, तो काफ़ी मुश्किलें आपके साथ माइंड साथ पास में आई होगी? बहुत ज़्यादा उसका ग्राफ जो मंदिर का था बहुत बड़ा हो गया, नक्शा बड़ा बन गया। अच्छा, तो प्रॉब्लम्स था, लेकिन मेरे विचार में टेंशन कभी ये मेरे दिमाग में नहीं आया कि नहीं बनेगा, क्योंकि हाँ, लेकिन संघर्ष चलता रहा। बहुत संघर्ष करना पड़ा, लेकिन भगवान की कृपा से मेरी उसका फिक्र नहीं रहता था। अच्छा, हम जानते थे कि हो जाएगा। मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं था कि जिससे कि मैं समझूं कि मेरे सारा परिवार, गांव वाले लोग ने समझाया। अच्छा, कि कहाँ से आप बनाइएगा। लेकिन फिर पता नहीं मेरे दिमाग में क्या था, मैं किसी की बात सुना नहीं, मैं चलता रहा अपनी राह में। उसका भगवान की तरफ से कृपा हुई, अब बना। तो अभी यहाँ पे देखा है तो काफ़ी लोग दूर दूर से आ रहे हैं। बहुत दूर से आ रहे हैं। हम भी, आप आए आज इस मंदिर को देखने के लिए? बहुत दूर दूर से आते हैं, यहाँ फोटोग्राफी बहुत होती है, जैसे क्रेज बन गया है, सब जाता है। हमारे ख्याल से पूरा ओवरऑल इंडिया में इसका फोटो चला गया। अच्छा, ये तो फोटो, हाँ, ये तो है। काफ़ी मंदिर हालांकि देखने में सुंदर है, लेकिन थोड़ा इसका रिपेयरिंग अभी, कब लास्ट टाइम हुई थी इसकी रिपेयरिंग? होती रहती है रिपेयरिंग, अक्सर मैंने हम लोग कराते रहते हैं कहीं भी। हाँ, जैसे आपको लगेगा कि नए मंदिर है। हाँ, लेकिन इसको बने 20 साल हो गया। अच्छा, चलते हुए 20 साल हो गया। अच्छा, बनना तो 90 से तो 30 साल हो जाएगा। अच्छा, हाँ, ये तो बात है। इतना दिन 20 साल चल रहा है, 20 साल से पूजा पाठ हो रहा है। जो आर्किटेक्ट थे वो भी बलिया से थे ना? आर्किटेक्ट दिल्ली के, ये नक्शा दिल्ली के बनाए थे आर्किटेक्ट, ये दिल्ली से, दिल्ली के जाने थे। अब आप फिलहाल क्या करते हैं? मैं अब तो सेवानिवृत्त हूँ, घर पर रहता हूँ, तीर्थ पर जाता हूँ, बनारस भी रहता हूँ, यहाँ भी रहता हूँ। जा चुके हैं आप जी? सारे तीर्थ पर चुके हैं लगभग? मैंने सब तीर्थ कर दिया, सब सब केदारनाथ, सब सब जो नाम लोगो सब। अच्छा, नाम लो सोलो या सब कर चुका? सोलो या फैमिली? हैं, सोलो मतलब अकेले? नहीं नहीं, मैं अकेले अकेले मतलब मेरे पत्नी तो मेरे, उनका देहांत हो गया था 94 में। अच्छा,
तो वहाँ से सिलसिला कटा। अच्छा। जो और अकेले हुए तो अकेले प्लस और मित्र दोस्त लोग रहते हैं, कंपनी रहती है। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ परिवार है हमारे, सारा परिवार है, मतलब चार लड़के हैं, दो लड़कियाँ हैं, सब लोग। तो आज यहाँ पे क्या प्रोग्राम होने वाला है? आज तो यहाँ चैता कहते हैं हम। अच्छा, चैता होने वाला है। चैत्या के जो विख्यात हैं गिरी, वही आ रहे हैं चैता का कार्यक्रम। मंदिर है, ट्रस्ट पे चलता है या फिर क्या? नहीं, इसका ट्रस्ट बना हुआ है, ट्रस्ट। हाँ, बैंक में इसका अकाउंट है। अच्छा, तो वो प्रोसेस तो है। इसके कमेटी भी है, मैनेजमेंट कमेटी भी है, उसके अध्यक्ष भी हैं। संस्थापक आप ही? जी, संस्थापक में। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा हमें केशव प्रसाद जी से बात करके। सो और कुछ बोलना चाहेंगे हम हमारे दर्शकों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं? कुछ संदेश आप देना चाहेंगे इस मंदिर के बारे में? संदेश तो मैं एक ही दूंगा कि आदमी साधन विहीन हो तो भी उसके मन में अगर दृढ़ प्रतिज्ञा हो कुछ बनाने की, अच्छा काम, जिसको वो सोच नहीं रहे कि उसके आर्थिक लिमिट के बाहर है, सोच के बाहर है, वो भी काम हो सकता है। वो अगर अपने पर डिग है, ईश्वर ईश्वर पर विश्वासी है, ईश्वर पर दृढ़ विश्वासी है, तो उसका काम हो जाएगा। और लोगों को आने के लिए क्या आप एक मैसेज देना चाहेंगे यहाँ पे इस मंदिर के बारे में? आइए, उनको तो मेरी शुभकामना यही है कि वो आए, दर्शन करें मंदिर का, देखें। और कहेंगे हाँ, और कुछ नहीं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा आज हमें केशव प्रसाद जी से बात करके। सो आपको दिखाता हूँ फिर आगे की मंदिर।